हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सृष्टि के टिपाडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में कबूतर इस तरह से आते हैं। मैं उनको रोज़ दाना डालती हूँ, उनके लिए पानी भी रखती हूँ। उसके बाद भी कबूतर जो हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करते हैं हमारे गार्डन में। तो ये देखिए, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ और ये भागे जा रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कबूतर क्या नुकसान करते हैं मेरे गार्डन में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी कोशिश कर चुकी हूँ मैं, बार बार लगा रही हूँ, बट कबूतर जो है वो नुकसान करे जा रहे हैं। तो ये है, यहाँ पर हमारे रेडिस लगा रखी है और यहाँ पर भी मैंने रेडिस ही लगा रखी है। आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर से इन्होंने खा रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना पिंचिंग कर दी है। तो इन्होंने ये पिंचिंग कर रखी है। और ये पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इनको ढक के रखा है ताकि ये अंदर तक ना पहुँचे, बट ये फिर भी कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ पानी करके अंदर चले ही जाते हैं। ये दिख रहा होगा आपको क्लियर। तो कबूतर जो है गार्डन में बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं। और मैं जगह जगह देखिए टैग लगाती हूँ, गोभी लगा रखी है, वहाँ पर मैंने ग्वार की फली लगाई, आपको टैग दिख रहा होगा। तो इसी तरह से मैं जगह जगह कोशिश करती रहती हूँ, बार बार लगाती रहती हूँ, बट कबूतर जो हैं वो कुछ ना कुछ नुकसान करते ही रहते हैं। तो आज का वीडियो जो है छोटा सा अपडेट है गार्डन में क्या क्या हो रहा है उस पर। तो कुछ प्लांट की शिफ्टिंग वगैरह जो है वो मैंने कर दी है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला प्लांट जो है बनियान ट्री है, ये देखिए, काफ़ी पहले मैंने आपके सामने ही इसको रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरा प्लांट जो है ये पिलखन है, और ये जो बगल में प्लांट है ये भी पिलखन ही है। तो आप लीव देखकर इनको पहचान सकते हो, पिलखन है और ये वाला भी पिलखन है। तो मैंने इसको ऐसे ही कटिंग थी, रूट वगैरह भी थी, बट ये मर चुका था बिल्कुल। अब देखिए आप ऊपर से देख सकते हो, इसको बिल्कुल सूख गया था, बट यहाँ पर रूट एरिया से देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसकी जो लीव्स हैं न्यू लीव्स डेवलप हो रही हैं। तो छोटा सा अपडेट दिखा रही हूँ मैं आपको गार्डन का। और यहाँ पर है मेरा गार्डेनिया प्लांट, जिसकी मैंने कटाई वगैरह कर दी थी, उसके बाद इस पर न्यू ग्रोथ मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है, ये देखिए। और ये देखिए लीव्स ही हैं, ये बर्ड नहीं है। अभी मौसम जैसे चेंज हो रहा है ना, तो गार्डन में थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, थोड़े से कीड़े मकोड़े पैट्स जिसे बोलते हैं वो भी आ रहे हैं। और देखिए ज़बरदस्त तरीके से मेरी क्रिजैंथेमम जो है वो बढ़ रही है, इस पर भी मिली जो बग्स होते हैं वाइट कलर के चिपचिपे से, ये जो होते हैं इनका अटैक हो रहा है। ये देखिए एक आधा ही है वैसे तो। तो ये देखिए बहुत अच्छा अपडेट है ये, हमारी क्रिजैंथेमम जो है, मेरे पास दो तरह की क्रिजैंथेमम, एक वाइट कलर की और एक महरूम कलर की। तो दोनों पे ही जो है बडिंग स्टार्ट हो गई है, और इसी में से मैंने कटिंग वगैरह लेकर या फिर बॉटम में से जैसे बेबी प्लांट निकलते हैं उनको अलग अलग जगह पर मैंने रिपोर्ट कर दिया है। यहाँ पीछे की तरफ देखिए ये वाला प्लांट जो है, ये मेरा कपूर तुलसी का प्लांट है। काफ़ी पहले, बहुत ज़्यादा पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो शेयर किया था। तो ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये देखिए पॉट साइज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत ही छोटा सा है, आई थिंक 5 या 6 इंच का ये पॉट होगा, और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। एक और अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ ये वाला पॉट जो है, मैंने इसमें छोटे छोटे से प्लांट आपको दिख रहे होंगे, इनको भी कबूतर वगैरह या गिलहरी वगैरह ने खा रखा है, क्योंकि अभी गार्डन में जो कुछ मैं लगा रही हूँ ना सब ख़राब कर रहे हैं। और बिन बुलाए मेहमान, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा टमाटर का प्लांट, जिसको मैंने ग्रो नहीं किया है और अपने आप ही ये ग्रो हो गया है। तो चलिए आज हम कर लेते हैं थोड़ी सी हार्वेस्टिंग। तो ये वाला है मेरा दूसरा मिर्च का प्लांट, आई थिंक दूसरा नहीं है, तीसरा चौथा है। तो मिर्च जो है काफ़ी अच्छे साइज़ की हो रही है, तो मैं इसी की कटिंग आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मेरे गार्डन में भी मौसम का इफ़ेक्ट दिख रहा है, बहुत सारे पेट्स ऐसे हैं जो गार्डन में अब लग रहे हैं, और मुझे इनका ट्रीटमेंट जल्दी ही करना पड़ेगा। तो ये वाला प्लांट आपको जो दिख रहा है मिर्च का, ये बिल्कुल मैंने वेस्ट कंटेनर में मैंने इसको ग्रो कर रखा है। और मिट्टी वगैरह भी अगर मैं बताऊं, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैंने बताया था कि वेस्ट चीज़ों से खाद, पॉट, मिट्टी, ये सब कैसे आप रेडी करोगे, उस वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर उसको देख लेना। तो यहाँ बहुत सारी मिर्च जो है वो लगी हुई है, मैं इस पर से तोड़ लेती हूँ एक मिर्च। ये वाली जो है ये रेड होकर सूखने लगी है, तो मैंने इसको छोड़ रखा है सीड के लिए, ताकि बाद में मुझे इसी से सीड मिल जाए। और चिली साइज़ आप देख सकते हो, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये वाला पॉट जो है ये कैसा पॉट है, ताकि आप भी चौंक जाओगे इस पॉट को देखकर और ज़रूर गार्डनिंग करना स्टार्ट करोगे। बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना जीरो बजट में आपको मिट्टी भी मिल जाएगी, आपको खाद भी रेडी हो जाएगा, ये इस टाइप का पॉट है, और मैंने इसका वीडियो भी आप सबके साथ शेयर किया था। तो देखिए लॉट्स ऑफ चिली है, मैं इन सबको तोड़ लेती हूँ, आई थिंक वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो पहले मैं इनको तोड़ लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितना हो सका उतनी अपनी चिली जो है वो यहाँ से कट कर ली है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको फ्लावर दिखा रही हूँ कि अभी भी इस पर फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए इस टाइप की जो छोटी छोटी मिर्च है ना, मैंने उनको छोड़ दिया है। और मिर्च के प्लांट पर भी मुझे छोटे छोटे से जो ग्रीन या ब्लैक कलर के जो मच्छर टाइप के होते हैं ना, वो लगे हुए हैं। तो देखिए नज़रों से कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो ये देखिए इस टाइप की मिर्च मैंने सारी तोड़ ली है। और ये मिर्च मैं आपको दिखाना चाहूँगी, सिर्फ एक ही प्लांट से ये मिर्च निकली है। तो इस प्लांट पर मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ खास नहीं किया है। ये देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें रोज़ वाटरिंग करती हूँ। गर्मियों में लगा था ये प्लांट, जैसे कि अभी हम विंटर में आ गए हैं, तो एक या दो दिन छोड़कर मैं वाटरिंग करती हूँ। और वाटरिंग के लिए एक दो दिन छोड़कर करती हूँ, तो कभी कभार तो मैं नॉर्मल जो वाटर होता है वही डालती हूँ। और वैसे मैं जितना हो सकता है लिक्विड फर्टिलाइज़र पर इस टाइम जोर दे रही हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत सारा चाहिए प्लांट को। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र चैनल पर बहुत सारे हैं, आप जाकर देख सकते हो। और मैं आपको अब एंड में दिखाती हूँ इस पॉट का साइज़, ठीक है, पॉट का साइज़ भी दिखाती हूँ और इस पॉट में मैंने क्या क्या लगा रखा वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप अगर इस पॉट को देखकर चौंक गए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ मैम या हाँ दी, हमें ये आपका पॉट बहुत अच्छा लगा और आपने कैसे कैसे क्या क्या किया था बताइए। या फिर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर भेजना, मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा ज़रूर करूँगी। तो देखिए कुछ चिलीज़ जो हैं अभी भी इस पर हैं जो मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर की ही चिली है और ग्रीन कलर के ही इनका लीव्स हैं जो कितनी बार पत्तों की वजह से दिख नहीं पाती हैं। तो ये देखिए, तो पॉट साइज़ आपने देख लिया, फ्री का पॉट है मेरा और ये कट्टा है फ्री का, ज़रूर आपके आसपास ये मिल जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी, ज़रूर चेक कर लेना। इस पॉट में देखिए ये कितना बड़ा पॉट है, ठीक है, कितना बड़ा होगा आप देखिए, मेरे ख्याल से ये 12 इंच के करीब होगा। और इसमें मैंने लगाए हैं तीन प्लांट। फर्स्ट प्लांट है यहाँ पर मेरा, ये मैंने रिपॉट किया था चिली का प्लांट, किसी पॉट में निकले थे 4-5 चिलीज, तो मैंने उनको रिपॉट कर दिया था अलग अलग जगह, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा चिली, दूसरा है मेरा फेवरेट पोई साग और तीसरा है यहाँ पर हल्दी, ठीक है। तो ये तीन प्लांट है, फ्री का पॉट था मेरा, इसमें फ्री की खाद मैंने रेडी की थी, फ्री का मिट्टी मैंने इसमें भरी थी, नीचे नीचे खाद भी बना था और ऊपर की तरफ हमारा प्लांट भी लगे हुए हैं। तो जितने भी प्लांट लगे हैं सबका न्यूट्रिशन जो है वो नीचे से ही आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर गार्डन में क्या है, अभी हमारे गार्डन में अभी है ये देखिए ब्लैक कलर की चैंटी, और यही मिली बग्स जो होते हैं या कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना, वह ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो हमारी ब्लैक आंट होती है ना, यही लेके आती है। तो देखिए यहाँ पर नीचे बैठ के मुझे दो तीन चिली और दिख गई है, मैं इनको भी तोड़ लेती हूँ। तो चिलीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत आराम से इजीली बिल्कुल ग्रो कर सकते हो, तो आने वाले टाइम में या इस टाइम भी आप चिलीज़ को ग्रो करके देख सकते हो। तो देखिए कितनी बड़े साइज़ की चिली है, कलर आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चिलीज़ मैंने तोड़ ली है और इसके बाद और जो मेरा प्लांट है वहाँ पर भी मैं सारी चिली तोड़ लेती हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको सारी की सारी चिली दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज की हार्वेस्टिंग हमारी ये है। हार्वेस्टिंग का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और आपको किस टॉपिक पर या किस टाइप के वीडियो देखने हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, इंस्टा की आईडी है सिस्टी क्रिएटिव गार्डन।